दोस्तों क्या हो रहा था कि महिंद्रा और जेसीबी के कंपैरिजन वीडियो बना लिया था, और फिर हमारे मन में सवाल आया कि यार जो इन दोनों मशीनों को ओन करते हो, जिनकी मशीन है उनसे पूछ लेते हैं उनको कैसे मज़ा आ रहा है। भाई हमने तो बता दिया हमारा टेक्निकल पॉइंट से कि हमें किसमें मज़ा आ रहा है, किसमें मज़ा नहीं आ रहा है। अब सर से पूछ लेते हैं कि सर को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। तो सर स्वागत है आपका बियॉन्ड द व्हील्स पे, धन्यवाद समय देने के लिए, मशीन देने के लिए और हमारे साथ सहयोग करने के लिए। सबसे पहले तो दर्शकों को आपका नाम बता दें। मेरा नाम नसीम ठेकेदार है। अच्छा, और मैं भट्टे के ज़्यादा कार्य करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी का जो मेरठ साइड का जो एरिया, यूपी मोस्टली पूरा यूपी, कानपुर की ईंट बहुत फेमस है, मेरठ साइड की ईंट बहुत फेमस है, तो ईंट भट्टे का बहुत काम होता है, मतलब जो ब्रिक वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो मशीन्स आती है मोस्टली भट्टे के काम के लिए आती है, भट्टे के काम के लिए आती है, इस क्षेत्र में भट्टे के काम के लिए आती है ज़्यादा, जो है इसी में यूज करा जाता है। और सर के पास वो महिंद्रा की भी है 74 HP और जेसीबी की भी 74 HP, दोनों मशीनें हैं मेरे पास, दोनों मशीनें हैं। तो सर आप ये बताइए सबसे पहले कि आपको आपकी पसंद की कौन सी, दोनों में से आपके कौन सा बेटा आपको बढ़िया लगता है? मैं तो देखो पहली बार तो सबसे शुरू में 2020 में जो मैं महिंद्रा लाया था, अच्छा उसने भी जो है अच्छा प्रमोशन दिखाया, उसने काम अच्छा किया है, मैंने जो है चलाई है उसको, और अभी भी चल रही है मेरे पास में, डीजल की खपत में भी और मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छा काम करा उसने। अच्छा, और अच्छी उसने कमाई भी करके दी है मुझे, उसी के कमाई के कारण ही मैं मशीन दूसरी लाया हूँ। अच्छा, तो सर दूसरी मशीन आपने कौन सी ली? दूसरी मशीन मैंने जेसीबी ले लिया दूसरी। तो अब एक सवाल है जो मतलब सबके मन में आ गया, जब महिंद्रा से संतुष्ट थे, महिंद्रा आपको यहाँ तक लाया, सर आपने जेसीबी ले लिया है। हाँ, वो दरअसल एक बात थी, अगर भाई जैसे कि मान लिया कोई भी मशीन ले आओ, किसी भी कंपनी की ले आओ, हर आदमी मान लिया महिंद्रा है, महिंद्रा कोई ये नहीं कहता कि भाई महिंद्रा की मशीन लाए हो तो तुम ये कर दो, नको तुम्हारे पास में जेसीबी है, तुम्हारे पास में जेसीबी, जेसीबी का एक ब्रांड जो है मार्केट में इसका अच्छा नाम चला हुआ है, पहचान बना रखी है। अब की बार हमारे मन में भी ये आई, जो हमारे पास ऑपरेटर थे एक दो, उन्हें कहा कि भाई जैसे तुम जेसीबी यो चला रहे हो महिंद्रा, जेसीबी चला के देखो, लेकिन हमने जो अब जेसीबी भी लाए हैं, लेकिन जेसीबी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतने आ चुके, अब उसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और जो ये महिंद्रा है इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि हमें वहाँ से इंजीनियर को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप भी उसको हम कवर कर लेते हैं। और इसमें एक खासियत और भी है, जैसे कि हमने जेसीबी ले रखी है, अब इसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो कंप्यूटर के अलावा इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है, इसमें ये। फिर दूसरी बात, हमने इसमें कंपैरिजन करा इन दोनों का, हमें सर्विस में भी जो है थोड़ी किफायत लगी। अच्छा, हाँ, महिंद्रा में और इसमें जो है लगभग 7-8 हज़ार रुपए का, 7 हज़ार रुपए का लगभग अंतर है। जैसे आपने सर्विस कराई तो आपको कम किसकी लगी सर्विस? सर्विस महिंद्रा की कम, महिंद्रा की कम है, मतलब 8 हज़ार रुपए महिंद्रा की सर्विस कम होती है। हाँ, फिर जैसे जेसीबी की जो मशीन है उसमें इंजन जेसीबी का आता है, एक्सल जेसीबी का है, ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स जेसीबी का है, सब कुछ जेसीबी का है, इसमें करारो का आता है और इंजन जो है वो महिंद्रा का आता है जी। तो जैसे आपने अभी बताया था कि भाई सर्विस इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें ना, इसमें जेसीबी पड़ती है, तो आपको लगा नहीं कभी कि यार जेसीबी मतलब भाई वहीं जाना है हमें तो सर्विस ही जाना कराना? नहीं, वो देखो इंजीनियर आ जाए कर दे, यहाँ साइड पे भी कर दे, लेकिन वो हम नहीं छेड़ सकते ना इसको, तो ये वही छेड़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक जब कोई मशीन खरीदता है, नई मशीन खरीदता है, तो एक सवाल रहता है लोगों के मन में कि यार डीजल खपत, क्योंकि आप मशीन 24 घंटे कभी कभी सीजन पे चलाते हो आप भी ना, मशीन लगातार चलती बिना रोके, ऑपरेटर बदल के चलाते हैं हम लोग, तो आपको डीजल का बताओ कि मतलब दोनों मशीनें आपकी दोनों चलाई है, आपने दोनों चला रखी, तो आपको तो अंदाज होगा कि यार 20 घंटे चलाई है, 17 घंटे चलाई, तो ये इसने कितना खाया, उसने कितना खाया, ऐसा ना जैसा नई मशीन थी वो, तो वो जेसीबी तक कम डीजल लेती थी महिंद्रा। अच्छा, अब जैसे मान लिया 3-4 साल चलाने के बाद में थोड़ा डीजल जो है उसकी सेम बराबर हो गया, आप सेम बराबर, हाँ, और जो है अब आने के थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ रहा डीजल में। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ऑपरेटर ने कहा कि यार महिंद्रा को छोड़ के जेसीबी ले आओ, फिर आप जेसीबी ले आए, महिंद्रा भी थी आपके पास, तो आपके ऑपरेटर क्या बोलते हैं, मतलब क्या बेहतर है चलाने में, उनको किसमें मजा आया? नहीं, वो दरअसल उसमें ऐसा है ना, थोड़ा एक तो केविन की और ड्राइवर के लिए थोड़ी सुविधा अच्छी दे रखी है, एक इस वजह से जो है जेसीबी को चूज करते हैं जो, हाँ, ऑपरेटर, वो इसमें थोड़ा सा जो है लेटने वगैरह का या केविन की थोड़ी छोटा केविन करा है, बाकी चलाने में और जो है माइलेज में काम में अच्छी किफायती मशीन है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि जो मान लिया उसमें नुकसान हो सकता है लेकर। सर जब आप महिंद्रा लेने गए और जेसीबी लेने गए, तो जेसीबी लगभग 4 लाख रुपए महंगी है, अगर टेबल पे बात करें या जी मोटा मोटा मान लो 2.5 से 3 लाख रुपए महंगी है महिंद्रा से, तो सर अगर जैसे मान लो मैं महिंद्रा ले लूँ तो मेरे तुरंत ही 2.5-3 लाख बच जाते हैं, आपने वो 2.5-3 लाख छोड़ दिए, बाद में मशीन से निकालूंगा काम कर करके, तो सर ऐसा क्या खास लगा मशीन, मतलब ऐसा क्या दिला गया? बस नाम नाम के उस पे
खाली नाम के उस तो आपने खाली सिर्फ नाम के लिए नाम के उस नाम के साथ में आपको क्या मिला? कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर नहीं और कुछ नहीं दिया जी। और कुछ नहीं मिला हमें? कुछ मतलब कंप्यूटर सिस्टम मतलब बड़ी हुई टेक्नोलॉजी मिल गई कि भाई कंप्यूटर से पूरी मशीन ऑपरेट होती है। इसमें तो दिक्कत है ना जी। दिक्कत है तो दिक्कत ही तो ले लिया आपने। 3 लाख में थोड़ी दिक्कत ले लिया। पैसा ज्यादा दिया और दिक्कत खरीद ली। पर अभी तक तो दिक्कत नहीं आई, अभी तक तो सब सही चल रहा है। नहीं अभी तक तो सही है, अभी तक सही चल रहा है। सर मुझे ना जैसे जब जब पहली बार जब BS4 हुआ था तो पहले BS3 मशीनें आती थी तो किर्लोस्कर इंजन में आती थी। उस टाइम कोई मुझसे कहता कि मुझे बॉबकैट खरीदनी है ना, मैं कहता था बॉबकैट खरीद ले क्योंकि इसमें इंजन आता था किर्लोस्कर वाला। अब तो महिंद्रा वाले इंजन आते हैं। अभी भी आपकी कोई अगर क्षेत्र में मशीन होगी जो किर्लोस्कर इंजन चल रही होगी वो अच्छी होगी, मतलब आवाज ज्यादा है बट उसमें काम बढ़िया है। सर एक चीज और कि यहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे ना जैसे हम यूपी के मेरठ वाले एरिया में घूम रहे हैं तो सर महिंद्रा काफी दिखी मतलब मेरे को। हाँ जी, मतलब जैसे भी तो दिखती है बट महिंद्रा भी दिखी। तो सर मतलब कितनी महिंद्रा आपके क्षेत्र वगैरह में कितनी महिंद्रा? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जब से महिंद्रा आई है हमारे मेरठ में तब से ये मान लो तुम अगर 100 में से जो है 80 मशीनें जो है महिंद्रा की है। अच्छा, मशीन है और ली भी है और काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करती। भट्टी लाइन में जो है सबसे ज्यादा यूज मशीन को कर रहे हैं। कई इसमें फायदे भी हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात 3-4 लाख रुपए कम से कम इसके रेट सस्ते, दूसरा पार्ट सस्ते, तीसरा सर्विस सस्ती, और फिर चौथा नंबर यह है कि अपने भारत की जो है कंपनी है महिंद्रा अपने नाम से एक ब्रांड है, उस वजह से जो है हम इसको गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे नजरों में फिर भी फास्ट में है। हाँ। जो हम कहेंगे फास्ट में। हाँ। और कमा के भी देती है और बचा के भी देती है, दोनों दोनों चीज में फायदेमंद है। मतलब उसने कमाया तो ये खरीद ली, ये खरीद ली। उसने हो सकता था कि मैं ये शुरुआत में ले आता, कमा के ना देती तो ये भी ना वो भी ना रहती ना वो रहती, तो उसने एक से दो कराया है। ठीक है ना? सही बात है, सही बात है। सर उम्मीद मैंने पहले, अब हम आपको ऐसा सोचते कि इससे आप एक और महिंद्रा ले आए, दोनों मिलके एक और महिंद्रा ले आए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार दिवाली पे फिर जोड़ा है महिंद्रा का ही मिला दूं। क्या बात है जी, क्या बात है। ठीक है जी, मैंने शुरुआत में अपने भविष्य में एक महिंद्रा का एक ट्रैक्टर लिया था। हाँ। मेरे लिए मेरे जीवन में मेरा जीवन भी सफल बनाया और लक्की साबित हुआ। उससे मैंने जो है मैं धरातल से उठ के वो थोड़ा जो है एक लास्ट सवाल कि अगर कोई नई भाई लोग लेना चाहते हैं कंफ्यूजन में है कि भाई टाटा लेना है महिंद्रा लेना है बुल लेना है बैकहो लेना, मतलब अगर कोई जैसी भी नाम को छोड़ के आपने ये मशीन नाम के लिए ली है तो नाम छोड़ के कोई मशीन लेना चाहता है तो मतलब उसको क्या सोच के लेना चाहिए? मतलब जैसे मैं सिर्फ ये छोड़ो नाम के मतलब, मतलब नाम छोड़ के जैसे हम लोग करते हैं पेपर पे कागज पे लिख लेते हैं भाई ये क्या बढ़िया बढ़िया, तो आपको क्या लगता है कि क्या सोच के बोले? ये नहीं कि महिंद्रा या बोले कोई मशीन की बात नहीं, इतनी बात है कि आप ये बताओ कि वो क्या सोचे दिमाग में तो उसको फायदा। उसे ये सोचना चाहिए कि जो आदमी पहली बार नई मशीन ले रहा है और उसे इस लाइन में तजर्बा नहीं है तो उसे महिंद्रा की मशीन ले लेनी चाहिए। अच्छा, पहला नंबर के वो अगर किसी कारण कोई फॉल्ट आता है, एक तो डीलरशिप नजदीक, दूसरी सामान कहीं से भी ले सके। ये नहीं है कि हम एजेंसी से लाएंगे जाके, एजेंसी से नहीं, वैसे भी पार्ट जो है मान लो ट्रैक्टर की एजेंसी से खरीद लो इंजन के पार्ट, महिंद्रा मिल जाते हैं वहां पे। ठीक है जी, क्योंकि इंजन सेम है, महिंद्रा का एक ब्रांड है, जरूरी नहीं है कि हम माले मशीनी वो ही है, वहां से भी पार्ट मिल जाते हैं इसके, वो सस्ते भी हैं जेसीबी के मुकाबले सस्ते हैं। फिर कीमत कम, अगर हम किसी को 4 लाख फालतू देंगे 4 लाख का उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, सही बात है। तो 4 के 6 देने पड़ेंगे, सही बात। और 6 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल चाहिए, सही बात। पूरी 1 साल से पहले 6 लाख रुपए नहीं बना पाएंगे, 6 लाख के लिए 1 साल। और हमने 3-4 साल का लोन कराया, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा करे तो हमें 5 साल गिर गए, तो 1 साल घटेगी और 6 लाख रुपए बचेंगे, सही बात। ये चीज है। और ये है जिसके पास पैसा है और जो पैसे वाला है जो सोच रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसे की तो जैसे भी खरीद ले, वो जब मर्जी आवे खरीद दे, जब मर्जी आवे बेच दे। अब एक और सवाल इसी से मेरे मन में आया हुआ है कि सर अगर मैं 1 घंटे इसको चलाऊं, 1 घंटे इसको चलाऊं, कौन सी मशीन ज्यादा ट्राली भरेगी? मतलब हम इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि 1 घंटे 2 मशीनें साथ में चल रही हैं, 2 ऑपरेटर चला रहे हैं, 1 हट्टी चला रहे हैं, सीजन का टाइम है तो जल्दी काम कौन सा करती? बराबर ही भरेंगे, बराबर भरेंगे, बराबर कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें क्या कहते हैं इंजन ज्यादा थोड़ा बड़ा है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है, बराबर ही भरेंगे, बराबर ही। टॉर्क जो ज्यादा बड़ा रखा है इन्होंने 400 Nm को, मतलब आपका वो अपनी जगह जो है लोडर पे इस पर काम कर रहे हैं हम और दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो उस पर उसका जो है हमें बेनिफिट मिल जा कभी कभी, पीछे तो सब बराबर है, पीछे सब बराबर में। हाँ, बाकी ऑपरेटर के ऊपर है और ऑपरेटर के ऊपर है किस तरीके से चलाएगा वो कैसे करेगा। सर महिंद्रा की मशीन कितने साल हो गए आपको? कब 2020 में लिया, 20 में लिया था। दोस्तों ये मतलब अब क्यूरियोसिटी, दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे, मुझे लगा भाई मालिक से पूछ लो कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है इतने दिनों तक जो है मशीन चलाई है।
तो ओवरऑल ये सारे फीडबैक थे। अब सर ने जो अनबायस्ड बताया भाई, जितने सवाल पूछ सकता था मैंने पूछ लिया। अब आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप तो आते रहेंगे, हमारी दोस्ती हो गई, तो हम जो है इनसे अगली बार आपको वो सवाल ला के देंगे। फिलहाल आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा जेसीबी वर्सेस महिंद्रा में। तो सर का ये कहना है कि अगर आपको वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बचानी है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बचानी है, वो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस बचाना है, तो आप महिंद्रा ले सकते हो। महिंद्रा इज़ अ गुड मशीन, और इन्होंने जो है वो सिर्फ ब्रांड टैग के कारण, मतलब वो एक कहते ना सोसाइटी प्रेशर में कहीं ना कहीं इन्होंने जेसीबी लिया हुआ है, ऐसा इनका कहना है। इवन ही अश्योर्स अस कि द डी विल बाय महिंद्रा येट अगेन, मतलब दोबारा से खरीदने वाले। तो बस ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सर थैंक यू टाइम देने के लिए, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, मशीन है, टाइम और सब कुछ देने के लिए। और अगली बार फिर से आएंगे, मेरा टाइम बहुत अच्छा लगा, हम जो है डेफिनेटली आएंगे। ठीक, तो बस ये सब था इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।